आज हम ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर एक कोई पर्सन जो है इस डिजीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, उसे नहीं पता चलता है कि हमें अगर हो गया है ये डिजीज़ तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें। हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक डिजीज़ का कोई ना कोई इलाज जरूर है। तो इसका भी एक ऐसा ही इलाज हम लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिसका आप यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ऊपर चला गया वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, किससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किससे नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल फूड, मतलब मीट, चिकन, फिश और जो एक का येलो वाला पार्ट होता है, ये 4 चीज़ों से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस भी अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं डेली, इसीलिए जो लोग चिकन, मीट, अंडे ये सारी चीज़ें डेली यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 बार या डेली 2 बार यूज़ कर रहे हैं या फिर डेली ही यूज़ कर रहे हैं, उनकी बॉडी में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज हम ऐसे 5 फूड आइटम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आप यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्लिक के बारे में, लहसुन जो है हमें क्या करना चाहिए, उसकी 2 से 3 कली डेली खाना चाहिए, डेली यूज़ करना चाहिए। वो क्या करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो उसको कंट्रोल कर लेता है और साथ साथ में मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर होती, इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है, कम से कम 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ और सिर्फ गार्लिक कंट्रोल करता है। अगला है ओट्स जो है 2 से 3 टेबल स्पून डेली ओट्स हमें यूज़ करना चाहिए। ओट्स का डेली कितना यूज़ करना चाहिए, 2 से 3 टेबल स्पून ओट्स का यूज़ करना चाहिए डेली। नेक्स्ट है टर्मरिक 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक जो है हमें पानी में डाल के उसको थोड़ी देर बॉयल करके और नॉर्मल जब हो जाए तो उसे हम पी लें, डेली हमें यूज़ करना चाहिए टर्मरिक। इससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी सीड से भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, 1 टेबल स्पून क्या करो, पानी में डाल दो या फिर 1/2 टेबल स्पून पानी में डाल दो, रात भर के लिए उसे पानी में ही रहने दो। जितना पानी आप पी सकते, 1 घूंट 2 घूंट या फिर 1 ग्लास जितना पी सकते उसमें डाल दीजिए मेथी का सीड। उसके बाद उसे सुबह पी लीजिए, मेथी खा लीजिए, पानी पी लीजिए या फिर उसी के साथ खाते जाइए पीते जाइए, तो फिर देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है आंवला, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसका पाउडर आप यूज़ करिए, आंवले को सुखा के उसका पाउडर बनवा लीजिए या फिर मार्केट में उसका पाउडर मिलता है वो पाउडर लेके आइए आप, 1 स्पून डाइट पाउडर पानी में डाल के पी लीजिए और ऐसा डेली आप करेंगे 10 दिन के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ा है वो कंट्रोल हो जाएगा। 5 ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, पहला है गार्लिक, दूसरा है ओट्स, तीसरा है टर्मरिक और चौथा क्या, मेथी सीड, पांचवा क्या, आंवला। ये 5 चीज़ों से हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई, मैक्सिमम लोग कोलेस्ट्रॉल से परेशान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हम कैसे कंट्रोल करें, वो मेडिसिन के पीछे भागते हैं और जिस ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से भी हमारी बॉडी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे लीवर पे, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारे घर में प्रेजेंट है, इसका हम यूज़ करें, नेचुरली इसका हम यूज़ कर रहे हैं,
इसमें तो केमिकल है भी नहीं और ये फायदा बिल्कुल करेगा, नुकसान तो करेगा ही नहीं। तो पांच ऐसी चीज हमारे घर में प्रेजेंट है, उसका यूज करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या क्या है? गार्लिक है, ओट्स है, टर्मरिक है, मेथी है और आंवला है। ये पांच चीज़ों से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, उनके पास तो जरूर शेयर करिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कैसे करें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।